ये है हमारा आज का नोएडा टू वाराणसी का रूट प्लान, जो कि जमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 731 टू वाराणसी। नमस्कार, माय नेम इज पार्थो मित्रा एंड यू आर वाचिंग इंडिक ऑल। आज 19 अक्टूबर है और हम निकल पड़े हैं नोएडा से कोलकाता की ओर। एक्चुअली आई वेंट टू उत्तराखंड एंड आफ्टर 2-3 days personal work at Uttarakhand, came down to Noida where my son is staying. So spent 2-3 days with my son. Now I am going back home. So it will take 2 more days to reach Kolkata. Hopefully by tomorrow late evening I'll be able to reach home. इस रास्ते में तो ऐसा सच दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरा पुरानी वीडियो में सारे मैंने कैप्चर किया है, वो आप लोगों के साथ साझा भी किया है, इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा नहीं उठाऊँगा। थोड़ा बहुत जो भी मुझे अच्छा लगेगा एंड मुझे लगेगा कि आपको भी अच्छा लगेगा, तो वो सारा कैप्चर करके एक एपिसोड बना के आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट एज सून एज आई अपलोड अनदर वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड बीइंग विद मी। हैव अ वंडरफुल डे। अभी थोड़ी देर में हम आगरा पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स आई विल बी इन आगरा। Take Agra Lucknow Expressway to reach Lucknow and then take a diversion for Varanasi, which will be my 2 nights halt at Varanasi, and then again tomorrow morning I'll start for Kolkata. I am enjoying this solo drive. I hope आप लोग भी एंजॉय करोगे इसे जब देखोगे। सो द मच में देर आर मेनी एडवांटेजेस एंड देर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑल्सो। एक तो आप अपनी मर्जी के मालिक, लेकिन साथ में कोई दूसरा होने से कभी कभी यू कैन चेंज द व्हील। आई मीन द ड्राइवर कैन समबडी एल्स हु इज द नेक्स्ट पर्सन कैन टेक ओवर द व्हील। अदरवाइज सोलो वॉयज में तो आप अकेला ही आपको खींचना पड़ेगा लंबा लंबा। जैसे कि आज के करीब 850 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, कल भी करीबन 800 के आसपास ड्राइव करेंगे। तो सोलो में आपको सब जो भी करना है आपको अकेले करना है, चाहे वो ड्राइव हो, कार धुलाई करना। जैसे आज मैंने कार को धुलाई नहीं किया, वो भी खुद करना पड़ता है, कोई हेल्प नहीं मिलता है। और बात करने के लिए खुद ही हूँ मैं, आपसे आपसे बात करता हूँ, कैमरा से बात करता हूँ ताकि बोरियत ना महसूस हुए, इसीलिए मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बीच बीच में आप लोगों को दिखाने के लिए कैमरा ऑन कर रहा हूँ ताकि हमें नींद ना आए बिना बात के। अकेला चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो आईओ हिप्नोसिस ना हो जाए, इसलिए मैं बीच बीच में रोक रहा हूँ। एवरी 2.5-3 hours आई एम टेकिंग ए स्मॉल ब्रेक, मे बी 2-3 मिनट ब्रेक। आई गेट ऑफ द कार, वॉक अ बिट एंड देन अगेन गेट टू द कार सो दैट आई डोंट गेट हाईवे हिप्नोसिस, बिकॉज दिस रोड इज टोटली वेरी लो ट्रैफिक पॉपुलेशन, वेरी वेरी लो ट्रैफिक पॉपुलेशन एंड एंटायर स्ट्रेच इज एम्प्टी। दिस इज राइट नाउ आई एम ऑन जमुना एक्सप्रेस वे,
then I will get into Agra-Lucknow Expressway. The stretches are really, 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 I would say empty, considering the city traffic, it's empty almost. You see, last half an hour, the 3-4 cars ahead of me, only one crossed me right now. Just now one crossed me. तो ऐसे ही है जैसे भी हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे और बीच बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहे ताकि हम भी फिट रहे सजाग रहे क्योंकि रास्ते पे ध्यान रखें ताकि हम सही सलामत अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो अभी यहाँ तक, फिर आगे मिलते हैं आपसे। देखिए रास्ता पूरा सुनसान है, जहाँ तक नजर जा रहा है 2-3 गाड़ी दिख रहे हैं दूर में, ऐसे ही खालीपन रास्ता में, खाली खाली, देखने के लिए कुछ नहीं, चारों ओर वीरान जमीन है जो इस पेड़ों के पीछे है दोनों तरफ। ओवरऑल ड्राइविंग अच्छा ही लग रहा है, 98 पे क्रूज सेट कर दिया मैंने, 98 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि इस रोड की स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने 98 में इसको सेट कर दिया और बैठा हूँ दोनों पैर इकट्ठा करके। कोई फंक्शन नहीं है पैर का, ओनली कंट्रोल द स्टीयरिंग, तो स्टीयरिंग से मैं होल्ड करके गाड़ी को मैनूवर कर रहा हूँ। स्पीड तो ऑटोमेटिक हो रहा है, चल रहा है, मस्त लग रहा है। अकेला हूँ बट बीच बीच में घर वाले को फोन आ रहा है कि सब सही सलामत है कि नहीं। अभी गौतम का फोन आया था, ब्रदर इन लॉ, कि दादा कहाँ तक पहुँचे हो, तो चल रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट सोलो दिस टाइम। व्हेन आई वेंट टू लद्दाख, माय फ्रेंड वाज देयर इन अनदर कार, ही वाज आल्सो सोलो ड्राइविंग एंड माय आई वाज आल्सो सोलो ड्राइवर एट पर्टिकुलर ट्रिप, बट एटलीस्ट दोनों इकट्ठा खड़े कहीं पे खड़े होकर चाय पीना, बात करना, ये सब हो रहा था। बट अभी इस वक्त में कोई नहीं है, मैं अकेला यहाँ पे रुकूँ, अकेला ही रुकूँ। तो अभी धीरे धीरे अभी हम पहुंचा है टोल प्लाजा में आगरा का। अभी 500 मीटर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। ये हमने लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए लेफ्ट लेन पे आ गए। यहाँ की स्ट्रीट लाइट बड़े मजेदार, मुझे अच्छा लगता है ये इस जगह की स्ट्रीट लाइट देख के। थर में मेरे को हाईवे में दो चीज महसूस हुआ है। एक है कि इसका जो विंड स्पीड है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल में है, मे बी 5-10 डिग्री अराउंड देयर, जिसके कारण टू मच ऑफ विंड नॉइस। एंड सेकेंड थिंग इज कीड़े मकोड़े जितना रोड पे है वो आगे सीधा विंड स्क्रीन में धक्का लगते हैं उनके, और वो विंड स्क्रीन को गद्दा कर देते हैं, उनका तो डेथ हो ही जाता है, एट द सेम टाइम विंडस्क्रीन को एकदम गंदा कर देते हैं। अभी दिन में ये हाल है तो इवनिंग में क्या हाल होगा, आई कैन इमेजिन दैट। इस रोड में तो मैं मेंटेनिंग 98 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑलरेडी कवर्ड क्लोज टू 160 किलोमीटर सिंस आई टच दिस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अनदर करीब 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा लखनऊ पहुंचने के लिए। मेरे ख्याल से बाय 5:30 मैक्स आई शुड रीच लखनऊ।
उसके बाद वाराणसी बाई 9:30 शुड रीच वाराणसी और द डे स्टॉप. কি বলছে আত্মমিত্র, একা একা কেমন লাগছে? মন্দ নয়, মন্দ নয়, ভালোই লাগছে. তা বলো, ঘুম টুম পাচ্ছে নি তো? আগে হুজুর একদম পাচ্ছে নি. ये है टेम्पोरारी एयर स्ट्रिप ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे. आपातकालीन विमान अवतरण के लिए बनाया गया उत्तरण इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ. जो नेचुरल डिजास्टर हो या वॉर टाइम हो, दिस कैन बी यूज्ड एज ए temporary airstrip. Look, there are many highways in India where this kind of temporary airstrip is made. मैंने इसको श्रीनगर का रोड में देखा. मैंने इसे एक और रोड में, याद नहीं है अभी उसका नाम, देखा. और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंदर भी ये है. Well thought of. अभी हम करीब हमें 75-76 किलोमीटर बाकी है लखनऊ पहुंचने में. एंड टोटल 396 किलोमीटर टिल वाराणसी. And it, Google is showing it 9:41 p.m. I'll reach, maybe a little bit here and there, but I'll reach by 10:15 max. Hotel book नहीं किया अभी, देखना पड़ेगा कहाँ रुकेंगे. रास्ते में जो भी आएगा वहाँ रुक जाएंगे. अभी हम लखनऊ पहुँचने वाले हैं. 2.5 किलोमीटर इन लखनऊ. अभी विल टेक ए डायवर्शन टुवर्ड्स वाराणसी, फिर और चलेंगे रात को 9:30 तक हम वाराणसी पहुंच जाएंगे और रात को वही रुकेंगे आज. It took an exit in Lucknow to avoid Purvanchal Express, but Google Mataji ne mujhe shahar ke andar se dobara Purvanchal Express mein lekar aaya. Abhi koi upay nahi, mujhe Purvanchal Express pakad ke chalna hai kareeban 120 kilometer. Uske baad there will be diversion to Varanasi. Anyway, this road is good, so no issue. I was avoiding this road thinking that this road doesn't have anything. Basically, 300 kilometer, you keep on driving, hardly there is any eateries or restroom. So I was avoiding this, but my luck, my fate got me here again. So I'm driving on Purvanchal Express once more on my way back to Kolkata. I'm now driving on NH 731. I still have to drive around 105 kilometers to reach Varanasi. This road pe कीड़े मकोड़े बहुत कम है, कंपेरेटिवली कम है. शीशा अभी तक साफ सुथरा दिखने लायक है.
आगे पता नहीं और बढ़ जाएगा कि नहीं, बट आई एम क्रूजिंग एट स्पीड ऑफ एवरेज 80+, होपफुली रीच ऑन टाइम। ये है होटल पर्ल, पांच कोसी रोड, वाराणसी, मेरा आज रात का आशियाना। द प्रॉपर्टी लुक रियली रियली वेरी गुड।